हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं नन्ना कवि राहुल भारद्वाज अपनी नई कविता के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है मम्मी की सरकार है। आजकल लॉकडाउन का समय चला हुआ है, सभी बच्चे अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं तथा मस्ती के मूड में हैं, क्योंकि उन्हें छुट्टियां चाहिए थीं और छुट्टियां उन्हें अब भरमार मिली हुई हैं। उसी छुट्टी के पल को मैंने अपनी कविता की पंक्तियों में पिरोया है, शायद मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। मम्मी की सरकार है, बच्चों की सरकार है, सातों दिन इतवार है। बच्चों की सरकार है, सातों दिन इतवार है। रहते हैं हम साथ साथ, रहते हैं हम सब साथ साथ, सब कामों में साझेदार हैं। लगता है हमको ऐसा, मेरी मम्मी की सरकार है, बच्चों की सरकार है, सातों दिन इतवार है। ना कोई अधिकारी ना कोई नौकर, ना कोई अधिकारी ना कोई नौकर, सब घर के पहरेदार हैं। बच्चों की सरकार है, सातों दिन इतवार है। सुबह देर से हम उठते, सुबह देर से हम उठते, देर रात तक खेले हैं। 2 घंटे का स्कूल हमारा, ट्यूशन के न अब झमेले हैं। 2 घंटे का स्कूल हमारा, ट्यूशन के न अब झमेले हैं। स्कूल हमारा रखता ध्यान, स्कूल हमारा रखता ध्यान, घर आकर दे रहा है ज्ञान, घर आकर दे रहा है ज्ञान। नुकसान हमारा हो ना जाए, इस बात का उसे सरोकार है। नुकसान हमारा हो ना जाए, इस बात का उसे सरोकार है। बच्चों की सरकार है, सातों दिन इतवार है। रोजगार पापा का छूट गया, रोजगार पापा का छूट गया, पर वह नहीं बेरोजगार हैं। मम्मी मेरी करती आराम, मम्मी मेरी करती आराम, पापा करते घर की बेगार हैं। पापा का यह ऑफिस नहीं, पापा का यह ऑफिस नहीं, यह मम्मी की सरकार है। पापा रसोई में करते काम, पापा रसोई में करते काम, पल पल बिगाड़े सारे काम। पड़ती उन पर फिर फटकार है, पड़ती उन पर फिर फटकार है। मम्मी की सरकार है, ये तो मम्मी की सरकार है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।